दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन लेकर आया हूँ जिसमें कुल 500 शब्द होंगे और इसकी स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। तो अब से कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने वाला हूँ। कृपया अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन में हमेशा आउटलाइनें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि यह भाषा पूर्ण रूप से आउटलाइनों पर आधारित है, इसलिए हमारी आउटलाइनें क्लियर होनी चाहिए और इसके साथ ही हमारी शब्द चिन्ह भी मजबूत होने चाहिए। शब्द चिन्ह हमारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होंगे उतना ही हमें शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी होगी और शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम नए 30 से 40 शब्द चिन्ह डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस करेंगे, डिक्टेशन के साथ साथ शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए आपको एक नोटबुक बना लेनी चाहिए। रेडी महोदय, हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि किसी परियोजना को एक ऐसा संयुक्त उद्यम माना जाए जिसमें उसके निर्माता श्रमिकों, मजदूरों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा अन्य संबद्ध लोगों को भागीदारी का अनुभव हो। हमने समस्याओं को पुराने कोण से ही देखा है और लोगों को अलग अलग खानों में बांट दिया है, इसलिए ये झूठे विभाजन समाप्त होने चाहिए। हमारे समाज में ऐसे अनेक विभाजन हैं, शायद वे सभी समाजों में भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वे सामान्य से कुछ ज़्यादा ही हैं। ये धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषा और क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं। एक व्यक्ति और एक वर्ग को दूसरों से अलग करने वाली अनेक तरह की दीवारें हैं और इन सब विभाजनों से हमारा राष्ट्र कमजोर हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभाजनों का इस्तेमाल हमारी एकता को तोड़ने के लिए किया जाता था। आज भी इन्हें उन लोगों को कमजोर बनाने के लिए काम में लाया जाता है जो एक होकर खड़े होना चाहते हैं, जो भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी एक ही उद्देश्य से प्रेरित हैं। हमें यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमजोर न कर सके। हमें ऐसे वर्गों का और विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनके अंतर्गत हमारे और भी अधिक ऐसे लोग आते जाएं जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हों, क्योंकि यही देश के हित में है। इसी से देश मजबूत बनेगा, देशवासी मजबूत बनेंगे, जिनके अंतर्गत कोई एक वर्ग ही नहीं है बल्कि सभी वर्गों के लोग हैं। पैराग्राफ महोदय, इसलिए संपूर्ण शिक्षा का अभिप्राय है कि हम केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न करें बल्कि यह भी देखें कि हमारे प्रयासों का अल्पसंख्यक समूहों पर क्या असर पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र सुगठित है, उसकी आवाज़ शक्तिशाली है, उसमें एकता है और इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवश्यकताएं अन्य वर्गों से कहीं ज़्यादा महत्व की हैं, परंतु उनमें एकता नहीं है। पैराग्राफ महोदय, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मुझे याद आता है कि इसे जितना भी महत्व आज तक दिया गया है
और जितना आज दिया जा रहा है वह बहुत कम है। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बोलते हुए व्यापार मंत्री ने बताया था कि निर्यात की आमदनी में कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया था कि 70% निर्यात कृषि की वस्तुओं का हो रहा है और उसी के द्वारा हमें इतनी आमदनी हो रही है। इस दृष्टि से कृषि का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि यदि कृषि उत्पादन केवल 5% और बढ़ जाए तो निर्यात से हम 100 करोड़ रुपए के लगभग अपनी आमदनी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इतना महत्व इसका होने के बावजूद भी मुझे बड़ा खेद है और सचमुच यह बड़े दुख की बात कि आप कृषि के ऊपर जिसमें 100 करोड़ रुपया कमाने की क्षमता है 1 करोड़ रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 100 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।